हेडलाइन्स र प्रायोजक बिकज प्रेशियस मोमेंट्स आर प्राइसलेस किमजी ज्वेलर्स सिंस 1936 खसी दर हेले थमुनी राजनीति राज्य में नियमित आलु संकट पर पूर्व सरकार को दायी कले मुख्यमंत्री मोहन माझी कहले राज्यर स्वार्थ नुहे निज सरकार को बचाइवा को नवीन करते आलु मिशन बिजेडी जवाब पदार पड़ी बीजेपी सरकार को अपारगता संरक्षण प्रसंग में तातिला विधानसभा विरोधी कांग्रेस और बीजेडी हंगामा और कक्षत्याग अभियोग राज्य में ओबीसी संरक्षण पूरापूरी सुन मेडिकल पाठ्यक्रम एससी एसटी को मिलू मात्र 20% रिजर्वेशन अयोध्या राजनीति कहला बीजेपी किए पाइबे सुभद्रा टंका हिताधिकारी चयन आधार को नहीं बढ़ला द्वंद्व केमिति निर्धारण हेबो आर्थिक सोचल वर्ग ताकू नहीं प्रश्न स्वामी रोजगार को विचार को नियाजीब कि नहीं आसनी स्पष्टता जिलापालंकु जीव विस्तृत एसओपी जोर हेला बयानबाजी चिकिटी मद मृत्यु पर आक्शन मोड्रे अबकारी स्क्वाड भुवनेश्वर सालिया साहि बड़ धरण रेड बेआईन भाटी में चलला बुलडोजर सेपटे बांकी विपुल परिमाण चोरा देशी मद जबत पिपिली में बार्ड फ्लू 13 जनिया प्राणी चिकित्सक टीम सरजमीन तदंत 47 फार्म संग्रह कले नमूना पॉजिटिव आसिले मरा जाई परे 20,000 कुकुड़ा क्षतिपूरण दाबी फार्म मालिकों विरोध उत्तर बंगोपसगर घूर्णी प्रलय आगामी 48 घंटे नहीं पारे लघुचाप रूप झारखंड आखपाखे सक्रिय रही आउ एक लघुचाप आगामी 3 दिन राज्य में प्रबल वर्षा संभावना अति प्रबल वर्षा नहीं 8 जिला को ऑरेंज वार्निंग हेडलाइंस का प्रायोजक बिकॉज प्रेशियस मोमेंट्स आर प्राइसलेस किमजी ज्वेलर्स सिंस 1936 आपण देखुं आमर ओडिशा संपूर्ण खबर को आसवा ओडिशारे वर्षक दरकार 13 लाख मेट्रिक टन आलु से भितर राज्य में उत्पादन होउची मात्र 3 लाख मेट्रिक टन आलु बाकी आलु बाहर राज्य आमदानी करने को पड़ी जो प्रत वर्ष राज्य में आलु संकट देखादी एवं आलु दर बढ़ुची ओडिशा को आलु उत्पादन में स्वावलंबी करने जो जो पदक्षेप कार्यक्रम हाथ को नेबा कथा ताहा ए प्रसंगे पूर्व नवीन सरकार को टार्गेट कर मुख्यमंत्री मोहन माझी पूर्व सरकार आलु मिशन करी केवल निज सरकार को बचाइबा को उद्यम करते आलु चाष कि चाषी स्वार्थ रक्षापी कौन पदक्षेप नहीं नथिले बोली मोहन आरोप लगे प्रति उपखंड शीतल भंडार खोल एवं आगामी 5 वर्ष ब्लॉक स्तर में प्रतिष्ठा हेबो बोली मोहन कथा देइछन्ति आलु प्रसंग को नहीं पुणी आरंभ होइछि राजनैतिक बयानबाजी पूर्व नवीन सरकार को टार्गेट करछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी ओयूएटी प्रतिष्ठा दिवस रे जोगदे मुख्यमंत्री कहिछन्ति जे राज्य रे किछि दिन हेला जो आलु संकट सृष्टि होइतिला सेतिपई पूर्व सरकार रो अदूरदर्शिता दायी कारण पूर्व सरकार जो आलु और प्याज मिशन होता तत्कालीन सरकार को बचाई होता यार कौन लाभ चाषी मान ना अर्थात चाषी स्वार्थपी आलु मिशन सहायक हो ना आवश्यक शीतल भंडार कार्यक्षम होता ना आलु चाष और चाषी को प्रोत्साहन दि जाइला एवं प्रति सब डिविजन में शीतल भंडार प्रतिष्ठा करष भितर प्रति ब्लक शीतल भंडार करतीश्रुति मोहन अनेक क्षेत्र में आम मिशन करने निज को निज सरकार को बचे किंतु चाषी को उद्धार करने ओडिशार लोक क्षेत्र में स्वावलम्बनशील करवश्यक अर्थनीति अधिक उन्नति आने तार प्रकृत ठोस कार्यक्रम भितर नथिला मोर आज दिन में मन हुए आलु संकट को नहीं जो स्थिति उपजिला राज्य सरकार को चिंता बढ़ाई परवर्त समय पश्चिम बंगरु आलु रप्तानी पर क्रमशः स्थिति रे सुधार भी आसला हेले आज मोहन माझी सरकार पूर्व सरकार को त्रुटि को नहीं जो बयान देखा बिजेडी शिविर निआ लगाई बास्तव में आलु संकट पर क्यों सरकार दायी ताकू वर्तमान राजनीति आरंभ हो तीन चार सप्ताह तले राज्य आलु दर 60 टंका छुई
पश्चिमबंग सरकार आलु रप्तानी नकरिबारु राज्यरे आलुर अभाव देखा देथिला, किंतु एबे आलु दर 40 टंका तळकु खसी आसीछि। थरकु थर आलुकु नै एभळी स्थिति उपजिथिबारु शासक विरोधी हेउछन्ती मुहामुहि। आलु जेतिकि ओडिसारे उत्पादन होउछि प्राय 7-8 मासे भलरे चालुछि, एही जो पीरियडटा एही 4-5 मास एही पीरियडटा बाहरु आलु मगांती सी तो सेतिकि 3 मास भितर संभाली पारलेनि। मु तांकु स्वागत करुछि, जदि से 5 वर्ष भितर आलु उत्पादन करिकि बाहरु गोटिए ट्रिप न आनिबे ताले आमे जानिबु तमे ओडिया अस्मितार धारक बाहक। बीजेडी सरकार अमलरे 2015 आरंभ होइथिला आलु मिशन, उद्देश्य थिला राज्यरे आलु उत्पादन वृद्धि करिबा सह ओडिसाकु आलु उत्पादन रे स्वावलम्बी करिबा, वार्षिक 60,000 हेक्टर जमीरे आलु चाष करिबा। किंतु परवर्ती समयरे एही मिशन दिगहरा होइ जाइथिला, फळरे अधिक आलु चाष होइथुबा कळाहांडी, कोरापुट ओ कंधमाळर चाषी माने आलुर अभावी बिक्रीर शिकार होइथिले। 2019 इंटरनेशनल पोटाटो सेंटर सीआईपी सह मिसी ओडिशा सरकार एक प्रकल्प हाथ को नहीं आलु मिशन भड़ी एहार मध्य समान लक्ष्य थिला, किंतु यह प्रकल्प मध्य सफल हो पारि नथिला। 2020-21 आर्थिक वर्ष सुधा राज्य में मात्र 20,000 हेक्टर जमीन में आलु रुथवा तथ्य रही। आहुरी उद्वेगर विषय है राज्य में मोट 33 शीतल भंडार थे से भितर कार्यक्षम रही मात्र 36। भुवनेश्वरु कैमरामैन आलोक मिश्रों सह निरुपमा बेहरा, न्यूज 18 ओडिया। चिकिटी मद मृत्यु घटना परे एक्शन डे कमिश्नरेट पुलिस भुवनेश्वर सालिया साहिर तीनोटी स्थान में बड़ धरणर रेड, मद अपच अन्यान्य निशा द्रव्य सामग्री जबत करिछि पुलिस। मद तैयारी रे व्यवहार करा जाउतला केमिकल, राज्य में मद मृत्यु घटना परे सजग होइछि पुलिस। भुवनेश्वर सालिया साहिर बेआईन मद भाटी में बुलडोजर बुलिथिबा बेले बांकी रे चढ़ाव करा जाइ विपुल परिमाण चोरा देसी मद जबत करिछि अबकारी विभाग फ्लाइंग स्क्वाड। चिकिटी मद मृत्यु मामला आक्शन मोड रे कमिशनरेट पुलिस, राजधानी रे माटी रे मिसिला देसी मद भाटी, बांकी रे अबकारी विभाग रो बड़ चढ़ाऊ, विपुल परिमाण रे चोरा देसी मद जबत। गंजाम चिकिटी मद मृत्यु घटना परे सजाग कमिशनरेट पुलिस। राजधानी भुवनेश्वर में बेआईन मद कारबार चलता सालिया साहिरे हुई बड़ धरणर चढ़ाऊ, तीनोटी स्थान में चढ़ाऊ करी विपुल परिमाण में मद जबत करा। केवल से नुहे मद कारखाना उपरे चली बुलडोजर, भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह को नेतृत्व में चढ़ाऊ करिथिला कमिश्नरेट पुलिस। चढ़ाऊ बेले मद पोच अन्यान्य सामग्री जबत करा जाइछि, व्यापक परिमाण रे पोच और देसी मद नष्ट करा जाइछि। चढ़ाऊ बेले जना पड़िछि एठारे मद तैयारी बेले केमिकल व्यवहार होउथिला, मद तैयारी करथबा किछि लोकंकु अटक रखी अधिक तनाघना करूछि पुलिस। कमिशनरेट पुलिस तरफ रेगुलर आम प्रति मासे दिमासे जो आप देखिए सब बेले सालिया साहिर रेड हुए, बहुत पोच भी नष्ट कराई केस भी है, बहुत केस जेहेतु चली सब आड़े तेणु आमर डीसीपी निर्देश मुताबक आम तीन टा टीम करके रेड चली आठ 4 प्लाटून फोर्स नियोजित अच्छा अन्य थानार स्टाफ मान अच्छा। सालिया साहिरे केमिति प्रस्तुत होउथिला देसी मद, सिक्रेट चाम्बरे पहुंचिला न्यूज 18 कैमेरा, सामना को आसिला केमिति प्रस्तुत होउथिला मद। आपण देखि परथुए सालिया साहिरे जो जो जगह रे विपुल परिमाण रे मद होउथला, मद तयारी करा जाउथला, सेठी आजि बड़ धरणर रेड करिछि कमिश्नरेट पुलिस। गैस सिलिंडर मध्य तांको पाखरु जबत रखी एवं मद तैयारी रे किभलि भाबरे व्यवहार होतला एवं आपण देखंतु वर्तमान समय रे ए सबु चाउल जो देखि परतुबे किभलि भाबरे रहिछि मु देखैबि दृश्य, ए सबु चाउल व्यवहार करा जाउथला मद तैयारी रे, एही होउछि से हांडी
ଯେଉଁଥିରେ କି ଏବେ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଶନିବାର ବାଙ୍କିର କଳାପଥର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କଟକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତିନି ଜଣ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସଜାଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ସହିତ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା କାରଖାନା ଉପରେ ଚାଲିଛି ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ବର୍ଷକୁ 10,000 ଲେଖାଏଁ, 5 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ? ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ନେଇ ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ବା SOP ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପକାଠି ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ହୋଇନଥିବେ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ଆଧାର କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆୟକୁ ଧରାଯିବ ନା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ? ତାଛଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା କେତେ ଥିବ, ଏସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ଯୋଜନାର ରୂପରେଖକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ହେବେ ସାମିଲ, ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସୁଭଦ୍ରା SOPରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହୋଇଥିବ, ମହିଳା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇନଥିବେ କିମ୍ବା ଆୟକର ଦେଉନଥିବେ। ଏହି ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମାବଳୀରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ହୋଇନଥିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କେଉଁ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କର ଆୟକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ? ପରିବାରର ମୋଟ ଆୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ କି? ତାଛଡ଼ା ମହିଳାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା କେତେ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ନୁହଁ ବୋଲି ଧରାଯିବ? ଆହୁରି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି, ମହିଳା ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମାସିକ 1500ରୁ କମ୍, ବାର୍ଷିକ 18,000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ବା ଘରୋଇ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯିବା ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆଧାର ମେସେଜରେ ଦିଆହେଉଛି, ଡିବିଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ, ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ପରିବାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗକୁ ଦିଆଯିବନି, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ତା ଦେହରେ। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେଡି କହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଜେପି ସରକାରର ଆଉ ଏକ ଜୁମ୍ଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ବିଜେପି, ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଏବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳା ପାଇବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ମୋଟ 2.25 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। 6 ମାସରେ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଏହା କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଉ ବିଜେପିର କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ବି କଡ଼ା ଭାଷାରେ କରିଛି ସମାଲୋଚନା। SOPରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ ଦେବେ, ଏବେ ସେଇଟା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 5,000 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେବେ। ଏବଂ ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ ଯେ 833 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଦିନକୁ 27.39 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ ବା ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡାମି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଆର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ଆଶା କରି କେତେ ଭରସା କରି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଭରସା ତାଙ୍କର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲଟା ରିଲିଜ କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ବହୁତ ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଅଛି। ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କି କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେ ପାଇବା ପାଇଁ।
ତା ଦେହରେ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ କି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 1500 ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ ପାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ସରକାରରୁ ମାସକୁ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମହିଳାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ପାଇବୁ କି ନ ପାଇବୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ଏହା କହିବୁ କି ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରମିସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ବିଜେଡି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର 20ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କର ହଜମ ହେଉନି। ବିରୋଧୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥିଲା ତାକୁ ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଏଠି ଗତକାଲି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ସ ନିଆହେଇଛି 1 କୋଟି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ SHG ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଯେମାନେ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ନାଗି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ କୋଟି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ହେବେ। ସେ 1 କୋଟି ବି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର କିଛି ରୂପରେଖ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିରୋଧ କରିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନିୟମାବଳୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ନିୟମାବଳୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାପକାଠି ରହିଛି ତାହା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ବୟସ୍କ, ଆୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭଳି ଦିଗକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା। କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଫର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ 9090111144। ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଥିଲା ବିଧାନସଭା, ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡିର ହଙ୍ଗାମା ଏବଂ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ। ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରାପୁରି ଶୂନ। ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ସିଏସ୍ଟିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 20% ରିଜର୍ଭେସନ। ଅଯଥା ରାଜନୀତି କହିଲା ବିଜେପି। କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ଫର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ 9090111144। କେତେ ବାରଣ କରିବି, ପୁରୁଣା ଟାୟାର ରଖ ନାହିଁ, ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଗଡ଼େଇ ଦିଅ, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଜିନିଷ ରଖ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଜମିବ, ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ପୁରୁଣା ପାଣି ରଖ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ମଶାରୀ ଟେକା ହେଇଛି, ଶୋଇଛି କଣ? ଗୋଡ଼ ହାତର ହାଡ଼ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଦେହରେ ତ ନାଲି ଦାଗ, ବାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି ନା? ଆରେ ଯାଅ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରାମର୍ଶ କର। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ନିଧି ମଉସା, ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଡିସ୍ ମଶା ଯିଏ ଦିନ ବେଳେ କାମୁଡେ ତା ଦ୍ଵାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପେ। ହଁ, ତାହାରି ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଗିଫ୍ଟ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାକ A++ ପାଇ ଟପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜେସ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇପାରିଛି, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପକ୍କା। ଗିଫ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା। ଯାଦୁ ପାଣି କନ୍ଧା ଗୋଇଠି ପଟା ପାଇଁ ହାଇ ବାବାଲ ସ୍କାବିଗମ, ନକଲି ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ବିଧାନସଭାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଝଡ଼, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅଧିବେଶନ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଦାବିରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ।
शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी मानक संरक्षण दाबी करने सह एसएससी पर्याप्त संरक्षण करने को दाबी उठाइले उभय बीजेडी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति को सम्मान देवा सहित एससी एसटी ओबीसी मानकर सीट मुताबक संरक्षण करने को दावी करते विरोधी सेपटे बीजेपी कही आदिवासी को सर्वोच्च स्थान में रखी बीजेपी एसएसटी एवं ओबीसी संरक्षण प्रसंगे विधानसभा हुलस्तुल शून्यकाल प्रसंग उठाई कांग्रेस विधायक दल नेता राम काडाम जहां समर्थन करथिला बीजेडी दुई विरोधी दल सदस्य विभाग करथिले प्रतिवाद अभियोग करथिंति राज्य जनसंख्यार 54% ओबीसी एवं 40% एसएसटी हेले ओबीसी संरक्षण 27% बदल शून्य एसएसटी स्वर एवं अधिकार को राज्य सरकार बंद कर एसएसटी 38.75% संरक्षण व्यवस्था थिले भी मेडिकल पाठ्यक्रम में मात्र 20% संरक्षण लागू जातिभित्तिक जनगणना करने जो दावी होता आलोचना करा बीजेडी विधायक अरुण साहू दावी ओबीसी पिला 27% नहले चाकरी क्षेत्र में 11.25% संरक्षण लागू बीजेडी दावी कर अपराह्न अधिवेशन में कांग्रेस विधायक मैंने प्रसंग उठाई हट्टगोल करने कक्षत्याग करते गांधी मूर्ति तले धारणा देते बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी विरोधी को समालोचना कर बीजेडी संरक्षण नहीं कौन कार्यक्रम करनी बरं बीजेडी सरकार आदिवासी जमी बिकापी उद्यम करते जहां बीजेपी विरोध कर आसुला विरोधी अजथा राजनीति करी टंकधर कहते कांग्रेस दल तरफ दृढ़ निंदा करा जाउछि दृढ़ विरोध करा जाउछि आज सकाळु मध्य आमे गृह को बंद करथिलु अचल करथिलु एबे मध्य आमे से दाबी उपस्थापन कला परे जेतेबे आमर कथा को से कर्णपात नकले आमे वॉक आउट अस करी महात्मा गांधी को ठारे विचारधारा रे आमे बसी आमो न्याय दाबी पई आमे दृढ़ दाबी उपस्थापन करूछु जे ओबीसी पिला मानकु अंतत भाबरे से माने तांकर प्राप्य जा 27% पाइबा कथा से नदेले ना चाकरी क्षेत्र में जो 11.25% दौंती शिक्षा क्षेत्र में 11.25% आग लागू करूँ जो माने ओबीसी मानक प्रतारणा कले जो माने केबे चिंता कले ना आज से माने गृह भितर ढड़ा संरक्षण कथा कौन सेपटे बाचस्पति पोडियम उपरको चढ़ा कारण निंदा प्रस्ताव आनी सरकारी दल मुख्य सचेतक सरोज प्रधान बीजेडी विधायक रोमांच रंजन विश्वाल एवं माधव धड़ा विरोध में निंदा प्रस्ताव गृहत हो भर्सना करते महिला बाचस्पति अशोभन आचरण पर प्रस्ताव आनी बीजेपी विधायक कहते कांग्रेस अतीतर बीजेपी विधायक बाचस्पति उपरको डाली फोपाड़ी बीजेडी महिला ना राज्य सरकार पार हो चाहते व्यक्ति को नुहे व्यवस्था को विरोध करुछि दल अनेक नुआ विधायक माने मो भले आसी जो माने निज अंचल विषय उठे था निज कथा को कही था विधानसभा सरकार दृष्टि आकर्षण करते आज विधानसभा गोटे अप्रसंगताकर विषय को आणिकी विधानसभा बिजनेस को बाधक साजुंट से भूली जाऊंट आपण इंटरनेट वीडियोस पाई कि जितेबले से विरोधी दल में थे बीजेपी पार्टी से बाचस्पति को डाली कलम अन्य अन्य जिनस भी फपाड़ी जोड़ा कि उचित नथिला बाचस्पति को किए के अशोभन आचरण कला कई तो से विश्वास करते ना सी होंगे गृहर अध्यक्षा प्रति समस्त सम्मान अच्छे प्रत्येक सभ्य सम्मान अच्छे 50% रु अधिक संरक्षण नक सुप्रीम कोर्ट निर्देश देते से ही परिप्रेक्षी में ओबीसी बड़ी पड़ुंट तेणु प्रकृत ओबीसी को चिन्हट करने जातिभित्तिक जनगणना पर सबु महलर दाबी उठी भुवनेश्वर कैमेरामैन मानस पटनायक महेश प्रसाद नंद और अजय मल्लिक न्यूज 18 ओडिया पिपिली रे बार्ड फ्लू आज 13 जनिया डाक्तरी टीम एवं पिपिली प्राणी चिकित्सा अधिकारी घटनार तदंत करुछंती पिपिली रे 47 कुकुड़ा फार्मू पाखापाखि 20,000 अधिक कुकुड़ा मरा जाइथिबार अनुमान पूर्वरु हजार हजार संख्यार कुकुड़ा मरीजिबा फलरे आनिमल डिजीज रिसर्च सेंटर पक्षरु कुकुड़ार रक्त मल मूत्र कफ संग्रह करा जायछि
मला कुकुड़ा को साथरे नै एहाको परीक्षा करा जिबा पई वेलोर परीक्षा पई पठा जाइथिला। नमूनारु पॉजिटिव आसीथिबा पळे एहा बर्ड फ्लू बोली जणा पडिछि। पॉजिटिव बाहरिबा परे विभिन्न कुकुड़ा फार्म रे कुकुड़ा मरा जिबा नै विभाग मध्य प्रस्तुत हेउछि। सेबडे चासी किबळी क्षतिपूरण पाई परिबे बोली प्रश्न करिछंती कुकुड़ा चासी। कौ कारण रे कुकुड़ा मरुछंती तार जो टेस्ट पई जो सैंपल जाइथिला ता रिपोर्ट कौन आसला एपर्त आम जानलू ना ते कारण आम शुणुचु बार्ड फ्लू बोली। बार्ड फ्लू वर्तमान सीजन भी नुह बार्ड फ्लू कथा कही सब कुकुड़ा को मारी जदि चाषी कूल को हताश करेंगे आम को केबे बर्दाश्त करूँ ना। विभाग अधिकारी मैंने आसिक कुकुड़ा मारे प्रत्येक बेले ये कथा चली आम देखे देखे आसचु। जो चाषी मैंने लक्ष लक्ष टा विनियोग कुकुड़ा चाष करुले से क्षतिपूरण किए दबो विभाग अधिकारी मैंने देवे सरकार जो कहते बार्ड फ्लू से भूल कथा सांपल जो जाता तार से सांपलटा कौन आसला रिपोर्ट से ये करना सरकार मनोमुखी मनुख मन कहते बार्ड फ्लू सेटा के हम मो विगत दिन में मोर कुकुड़ा सरकार केत सहायता देना मोर आठ हजार फार्म पूरा बुड़गला आठ हजार कुकुड़ा था बुड़गला से खाली कहे मरीगला पति दि तार किसी पैसा भी विधिवत भाव दबार ना एटे आठ हजार कुकुड़ा मरीगला आम चाषी मरी जा कंपानी कौन दब नदब से तो अलग कंपानी दबार ना कंपानी कौन खर्च कर आम तो खर्च करा आम बहुत पैसा खर्च कर पैसा किए दब आम चाषी ये आत्महत्या करा कथा ना। उत्तर बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिबलय यह घूर्णिबलय अधिक घनीभूत हो आसंता 48 घंटे लघुचाप रूप नेब मौसुमी एवं आउ एक लघुचाप झारखंड एवं तार आखपाखे सक्रिय रही प्रभाव में आगामी तीन दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा होबार संभावना अछि। आसंता 24 घंटे अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होब अति प्रबल वर्षा नहीं 8 जिला मयूरभंज केन्दुझर अनुगुल ढेंकनाल कटक जगत सिंहपुर जाजपुर एवं केन्द्रापड़ा को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। सेहिपरि प्रबल वर्षा पई 18 जिला बालेश्वर भद्रक पुरी खोर्धा नयागढ़ कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर बौद्ध देवगढ़ बरगढ़ सोनपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर वार्निंग जारी कर आसंता काल मयूरभंज और केन्दुझर अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर कटक जाजपुर ढेंकनाल अनुगुल मालकानगिरी कोरापुट सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा रे येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। 26 एवं 37 रे सामान्य वर्षा कम रहिले भी 28 रु पुणी बढ़िबो वर्षार परिमाण। आसंता तीन दिन जाए समुद्र को न जिबा पई मत्स्यजीवी को बारण कर चलित मौसुमी सीजन में राज्य में एजावत 749.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो 11% नियंटिया वर्षा रही। वर्तमान सुधा गोटे जिले में स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा होता बेले 19 जिले में स्वाभाविक वर्षा रेकर्ड हो 10 जिले में नियंटिया वर्षा रेकर्ड होता बेले बालेश्वर भद्रक सबुठ कम वर्षा रेकर्ड हो प्रबल रु अति प्रबल वर्षा भी रहबार संभावना रही। आगामी 24 घंटा पाई राज्य में अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा रहबार संभावना रही। सहित प्रबल रु अति प्रबल वर्षा गोटे किंबा दुईटा जगार रहबार संभावना रही जमीती अनुगुल जिले में अनुगुल ढेंकनाल कटक जगत सिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा इवन केन्दुझर में भी हो पाए। In association with ठंडा छिंको नाको बंद पाई मैन कोल्ड जादू पानी कंधा गोइट पटा पाई आई बबल्स कैबिकम गिफ्ट ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा।